नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा लीक मामले में पलामू से तीन युवक हिरासत में। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के प्रश्न पत्र लीक मामले में एसआईटी की कार्रवाई जारी है। शनिवार को पलामू में एसआईटी की टीम ने छापा मारकर तीन लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने जिन दो युवकों को हिरासत में लिया है उनके मोबाइल से जेएसएससी के प्रश्न पत्र मिले हैं। पुलिस अब इस बात की जानकारी जुटा रही है कि उनके मोबाइल में किस व्यक्ति द्वारा प्रश्न पत्र भेजा गया है। पुलिस उसे भी खोज रही है। प्रश्न पत्र लीक मामले में जेएसएससी के संयुक्त सचिव मधुमिता कुमारी ने नामकुम थाना में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बता दें, झारखंड के पलामू के ही नई मोहल्ला में रहने वाले रवि किशोर की भी एसआईटी तलाश कर रही थी। रवि किशोर का नाम पहले भी प्रतियोगिता परीक्षा में गड़बड़ी करने के मामले में सामने आया था। वहीं पूर्व में जेल भी जा चुका है। वहीं इससे पहले एसआईटी ने पटना, चेन्नई व रांची में छापेमारी कर 11 लोगों को हिरासत में लिया था। पलामू पाइपलाइन सिंचाई योजना से 8 प्रखंडों को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने पलामू के शिवाजी मैदान में आयोजित शिलान्यास समारोह के तहत 456.6261 करोड़ रुपए की पलामू पाइपलाइन सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया। योजना का कार्य 2 वर्ष में पूरा कराए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद योजना का परिचालन, रख रखाव एवं प्रबंधन 10 वर्ष के लिए संवेदक द्वारा ही किया जाना है। पलामू पाइपलाइन सिंचाई योजना के क्रियान्वयन से पलामू जिले के 8 प्रखंडों के 96 गांव लाभान्वित होंगे। लाभान्वित होने वाले प्रखंडों में चैनपुर, मेदिनीनगर, सतबरवा, विश्रामपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद, हैदरनगर एवं मोहम्मदगंज प्रखंड शामिल है। बता दें, पलामू जिला में भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से विभिन्न जलाशयों, जल निकायों में आवश्यकता अनुसार पेयजल एवं सिंचाई जल उपलब्ध कराने के निमित्त पलामू पाइपलाइन सिंचाई योजना तैयार की गई है। योजना अंतर्गत सोन एवं उत्तरी कोयल नदी से सीधे और औरंगा नदी से वियर निर्माण कर तीन अलग अलग पाइपलाइन से 31.397 MCM जल उद्धव कर चिन्हित जलाशयों को भरा जाएगा। सड़क हादसे में छात्रा की मौत के बाद बवाल। देवघर के कास्टर टाउन स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल के सामने सड़क दुर्घटना में घायल स्कूली छात्रा ऋषिका की सदर अस्पताल में मौत की सूचना मिलने के बाद छात्रा के परिजन समेत आसपास के मोहल्ला वासियों की भीड़ घटनास्थल पर जुटने लगी। घटना के करीब 1 घंटे बाद करीब 10:45 बजे डीएवी स्कूल के सामने घटनास्थल पर काफी भीड़ जमा हो गई। वह घटना के लिए पुलिस को जिम्मेवार ठहराते हुए लोग सड़क पर जाम और हंगामा, पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। पहले तो एसडीपीओ ऋषित्व श्रीवास्तव व उनके साथ के पुलिस पदाधिकारी व पुलिसकर्मी आक्रोशित भीड़ को शांत कराने की कोशिश करते रहे, मगर वे मानने को तैयार नहीं थे। मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना का राज्यादेश जारी। कई वर्षों के बाद फिर कृषि विभाग बड़े ट्रैक्टर का वितरण करेगा। इसका राज्यादेश कृषि विभाग ने निकाल दिया है। विभाग 80 करोड़ रुपए की लागत से अगले 2 साल तक करीब 1100 ट्रैक्टर का वितरण किसान या किसान समूह के बीच करेंगे। किसानों को 50% अनुदान पर ट्रैक्टर दिया जाएगा। इसके साथ किसानों को 2 कृषि उपकरण भी दिया जाएगा। कुल पैकेज 10 लाख रुपए का होगा। कृषि यंत्रों पर 80% अनुदान दिया जाएगा। किसानों को ट्रैक्टर के साथ 2 कृषि यंत्र लेना अनिवार्य किया गया है। बता दें, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ने पूर्व मंत्री और मुख्यमंत्री के जिले के लिए सबसे अधिक लक्ष्य निर्धारित किया है। देवघर और दुमका जिले में किसानों के बीच 120-120 ट्रैक्टर वितरण का लक्ष्य रखा गया है। सबसे कम वितरण का लक्ष्य रामगढ़ जिले के लिए है। यहाँ मात्र 20 ट्रैक्टर का वितरण होना है। वहीं रांची जिले में 70 ट्रैक्टर वितरण का लक्ष्य रखा गया है। 16 फरवरी से अनशन पर बैठेंगे जूनियर इंजीनियर के अभ्यर्थी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जूनियर इंजीनियरिंग परीक्षा का रिजल्ट अब तक जारी नहीं होने से अभ्यर्थी आमरण अनशन की तैयारी कर रहे हैं। अभ्यर्थी 16 फरवरी से राजभवन के समक्ष आमरण अनशन पर बैठेंगे। अभ्यर्थियों ने कहा है कि जेएसएससी जूनियर इंजीनियर की परीक्षा 3 बार होने के बाद भी अब तक रिजल्ट नहीं जारी हो सका है। TCS जैसी विश्व स्तरीय एजेंसी से परीक्षा ली गई। कैलेंडर के अनुसार रिजल्ट दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक जारी कर दिया जाना था, लेकिन अभी जारी नहीं हो पाया है। बताया है कि वे 8 फरवरी को जेएसएससी के उप सचिव से मुलाकात करने भी गए, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, विधायक विकास मुंडा व शिवू सोरेन तक फरियाद पहुंचा चुके हैं। सभी ने बस अस्वस्थ ही किया है, कहा अब भूख हड़ताल के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है।
सरकारी स्कूलों के आरोग्य दूतों को पुरस्कृत करेगी राज्य सरकार। झारखंड के आरोग्य दूतों को राज्य सरकार पुरस्कृत करेगी। सरकारी स्कूलों के इन आरोग्य दूतों को 2,000 रुपये की राशि पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इसके लिए मानक भी तय किए हैं। राज्य के सभी स्कूलों में बच्चों की स्वास्थ्य जाँच की गई थी, जिसमें 6ठी से 12वीं तक के जिन स्कूलों में 80% से अधिक बच्चों की स्वास्थ्य जाँच हुई होगी, वहाँ स्कूल प्रधानाध्यापकों व आरोग्य दूतों को पुरस्कृत किया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग सभी जिलों से स्कूलवार जानकारी मांगी है। किन स्कूलों ने कितने बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की है, इसका पता चल सकेगा। स्कूलों को बताना होगा कि उनके स्कूल में कितने बच्चे नामांकित हैं, कितनों की स्वास्थ्य जांच की गई और स्वास्थ्य जांच का प्रतिशत क्या रहा। इसके साथ ही स्कूल का UDESH कोड, स्कूल का नाम, प्रधानाध्यापक, आरोग्य दूत का नाम, मोबाइल नंबर, बैंक खाता, बैंक का कोड, IFSC कोड और email ID भी देना होगा। झारखंड के 14 जिलों में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए शुरू हुआ कागजी अभियान। फाइलेरिया उन्मूलन के लिए राज्य के 14 जिलों में 25 फरवरी तक चलने वाला MDA मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शनिवार से शुरू हुआ है। राज्य में राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम 2004 में शुरू हुआ था। सभी लक्षित समूह को दवा खिलाने के लिए राज्य के 7 जिलों में 2007 में MDA को प्रारंभ किया गया। अभी यह पूरे राज्य में संचालित है। बीते साल भी यह अभियान फरवरी व अगस्त में चला था, लेकिन आज भी यह अभियान फाइलों व कार्यक्रमों से बाहर नहीं निकल पाया। शहर के साथ गांव में ऐसे लोग भी हैं जिनके घर पर फाइलेरिया रोधी दवा खिलाने कोई नहीं पहुंचा है। बता दें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने शनिवार को फाइलेरिया रोधी दवा खाकर MDA कार्यक्रम का देशव्यापी अभियान झारखंड समेत 11 राज्यों में शुरू किया है। मौके पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक आलोक त्रिवेदी ने बताया है कि राज्य में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए राज्य के 14 फाइलेरिया प्रभावित जिलों बोकारो, देवघर, धनबाद, गुमला, रामगढ़, साहेबगंज, पाकुड़, कोडरमा, रांची, गिरिडीह, गढ़वा, लोहरदगा, सिमडेगा व पूर्वी सिंहभूम में 2.17 करोड़ को दवा खिलाई जाएगी। कोल इंडिया मैराथन, आज PT उषा पहुंची रांची। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के द्वितीय कोल इंडिया मैराथन को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। रविवार को रांची की मोराबादी में इसका आयोजन किया गया है। इस बार लगभग 8,000 प्रतिभागी मैराथन में दौड़ लगाएंगे, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से लगभग 6100 से अधिक पुरुष व लगभग 1400 महिला धावक हिस्सा ले रही है। वहीं 500 से अधिक CCL के गेस्ट भी इस मैराथन में भाग लेंगे। यह मैराथन बिरसा मुंडा स्टेडियम मोराबादी से सुबह 4:30 बजे शुरू होकर कांके रोड होते हुए मोराबादी में संपन्न होगी। कोल इंडिया के इस प्रतियोगिता में 33 लाख रुपए से अधिक की राशि पुरस्कार स्वरूप दिया जाएगा। मैराथन का आयोजन महिलाओं और पुरुषों की 4 श्रेणी में किया जा रहा है। हेमंत सोरेन को परेशान कर रही मोदी सरकार, CM। शिवाजी मैदान से मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने पलामू में 456.63 करोड़ की पाइपलाइन सिंचाई योजना का शिलान्यास किया। मौके पर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन केंद्र के भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। चंपई सोरेन ने कहा है कि भाजपा सरकार हेमंत सोरेन को परेशान कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हेमंत सोरेन की सरकार ने कई ऐतिहासिक काम किए हैं। कोरोना में 2 साल गुजर गए, लेकिन कोरोना काल में भी हेमंत सोरेन ने बेहतर काम किया। सरकार ने उस दौरान किसी को निराशा नहीं होने दिया। CM ने आरोप लगाया है कि भाजपा ने राज्य को बर्बाद कर दिया, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा है कि पलामू इलाके में कोयल नदी जैसी नदियां हैं, सोन का पानी ऐसे ही बहता रहता है। सरकार ने किसानों के खेत में पानी पहुंचाने की योजना तैयार की। पलामू क्षेत्र में लोग सूखे से पीड़ित ना हो, इसके लिए यह परियोजना शुरू की गई है। धीरज साहू से 11 फरवरी को भी ED ऑफिस में होगी पूछताछ। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य धीरज प्रसाद साहू शनिवार को ED के समक्ष पेश हुए। ED ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पूछताछ के लिए समन भेजा था। ED के अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय एजेंसी ने इसी मामले में हाल में ही झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। धीरज साहू सुबह करीब 11 बजे ED ऑफिस पहुंचे। अधिकारियों ने बताया कि ED धीरज साहू से हेमंत सोरेन के साथ उसके कथित संबंधों और पिछले महीने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता के दिल्ली स्थित आवास पर तलाशी के दौरान जब्त की गई एक लग्जरी कार के संबंध में पूछताछ कर उनका बयान दर्ज करना चाहती है। 3 साल से कम शैक्षणिक अनुभव वाले शिक्षक भी करेंगे मैट्रिक परीक्षा के कॉपी की जांच। झारखंड के हाई स्कूल में पिछले वर्ष नियुक्त शिक्षक भी मैट्रिक की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कर सकते हैं। राज्य में शिक्षकों की कमी को देखते हुए झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा इस आशय का प्रस्ताव तैयार किया गया है। शिक्षा विभाग की स्वीकृति के बाद पिछले वर्ष नियुक्त शिक्षक भी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कर सकेंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अधिनियम के अनुरूप उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन के लिए शिक्षकों के लिए 3 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव अनिवार्य है।
इससे पूर्व भी आवश्यकता अनुसार 3 वर्ष से कम अनुभव वाले शिक्षकों से उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन किया गया है। रांची में 3 केंद्रों पर राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा आज। झारखंड अधिविध परिषद जैक बोर्ड रांची द्वारा राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 11 फरवरी रविवार को ली जाएगी। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। रांची में सुबह 11 बजे से 2 बजे तक 3 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसे लेकर 11 फरवरी की सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू की गई है। इन परीक्षा केंद्रों पर कदाचार मुक्त परीक्षा का आयोजन कराने एवं विधि व्यवस्था को लेकर रांची के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। रांची के LEBB उच्च विद्यालय, बालकृष्ण +2 उच्च विद्यालय एवं मारवाड़ी +2 उच्च विद्यालय में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। झारखंड के 7 नक्सल प्रभावित जिलों को विशेष केंद्रीय सहायता के तहत मिले 52 करोड़ रुपए। झारखंड के 7 अति नक्सल प्रभावित और संवेदनशील जिलों को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 52 करोड़ रुपए मिले हैं। यह राशि केंद्र प्रायोजित पुलिस आधुनिकीकरण योजना अंतर्गत विशेष केंद्र सहायता योजना के तहत दी गई है। जिन जिलों के लिए इस राशि का आवंटन किया गया है उसमें चतरा, गिरिडीह, गुमला, खुट्टी, चाईबासा, सरायकेला और लोहरदगा जिला शामिल है। विशेष केंद्रीय सहायता योजना के तहत मिली राशि से राज्य के 6 जिलों में सार्वजनिक आधारभूत संरचना और सेवाओं से संबंधित क्रिटिकल कैप्स को भरा जाएगा। इसके लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने देश के अति उग्रवाद प्रभावित जिलों में विशेष केंद्रीय सहायता देने की योजना बनाई थी, जिसमें 6 जिले झारखंड के हैं। झारखंड के उपभोक्ताओं को 125 यूनिट मुफ्त बिजली। झारखंड में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सत्ता संभालते ही राज्य के लोगों के लिए बड़ा ऐलान किया था, जिसमें CM ने झारखंड के उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया था। वहीं शनिवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अपने इस वायदे को दोहराते हुए बताया कि हमारी सरकार के इस फैसले से राज्य के करीब 31 लाख बिजली उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने पद संभालते ही जो सौगात दी है उससे राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा फायदा मिलने वाला है। बता दें कि झारखंड सरकार पहले राज्य में बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली मुफ्त दे रही थी, जिसे CM चंपई सोरेन ने बढ़ाकर 125 यूनिट कर दिया है। पलामू समेत 9 सीटों पर लड़ना चाहती है कांग्रेस। रामेश्वर उरांव, कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि झारखंड में कांग्रेस पार्टी 9 लोकसभा सीटों पर लड़ना चाहती है। इनमें लोहरदगा, खूंटी, चाईबासा, गोड्डा, कोडरमा, रांची, हजारीबाग, धनबाद एवं पलामू लोकसभा सीट शामिल है, जबकि रायत को राज्य में 1 सीट चतरा दिया जा सकता है। यद्यपि अभी यह अंतिम नहीं है, इस पर सभी पार्टी के आलाकमान साथ मिलकर राय विचार करेंगे, तब जाकर इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। शुक्रवार को न्याय यात्रा के निमित्त गढ़वा पहुंचे रामेश्वर उरांव ने स्थानीय परिसदन में पत्रकारों को बताया है कि सभी का मकसद एक ही है, भाजपा को पराजित करना, इस वजह से रिजल्ट बेहतर हो, इस पर सभी दलों को फोकस करना है। साहेबगंज में संत जोसेफ के हॉस्टल में लगी भीषण आग। साहेबगंज के रांगा थाना क्षेत्र स्थित सीता पहाड़ स्थित संत जोसेफ हॉस्टल के ऊपरी मंजिला में शनिवार सुबह करीब 7 बजे आग लग गई। इससे वहां रखे 120 बेड व विद्यार्थियों का सामान जलकर राख हो गया। थाना पुलिस विद्यार्थियों व शिक्षकों ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस ने बताया है कि आग लगने का कारण पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया। वैसे आशंका जताई जा रही है कि अल सुबह बच्चे मोमबत्ती जलाकर पढ़ाई कर रहे थे, उसके बाद सुबह की प्रार्थना में चले गए और मोमबत्ती बुझाना भूल गए। आशंका है कि उसी से आग लगी हो। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 10 लाख के इनामी भाकपा माओवादी जोनल कमांडर लालदीप गांजू ने किया सरेंडर। झारखंड के लातेहार में 10 लाख के इनामी भाकपा माओवादी जोनल कमांडर लालदीप गांजू उर्फ कल्टू उर्फ कार्तिक गांजू उर्फ मौजूदार ने शनिवार को SP कार्यालय में पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। लालदीप गांजू के खिलाफ झारखंड के लातेहार जिले के गारू बालूमाथ के अलावा बिहार के औरंगाबाद जिले के मदनपुर थाने में कुल 8 मामले दर्ज हैं। नक्सली संगठन भाकपा माओवादी से ये 2 दशक से जुड़ा था, कई बड़ी घटनाओं में ये शामिल रहा है। ये जानकारी पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने शनिवार को दी है। धन्यवाद।